आपका क्या कहना है इस बात पे कि अगर $150 भी हो जाता है क्रूड 2 महीने के लिए, तो नेट नेट $90 का ही एवरेज आएगा हमें? तो हो सकता है बाजार इस समय ओवर एस्टिमेट कर रहा है मैक्रो कंसर्न्स। ये CLSA की व्यू है, आपका क्या व्यू है एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट? देखिए अजय जी, क्रूड ऑयल को प्रेडिक्ट करना तो सऊदीज को भी नहीं पता अगले हफ्ते क्या क्रूड ऑयल प्राइस होना है, तो हम और आप तो क्या ही प्रेडिक्ट करेंगे इसमें। तो हमें जो मार्केट में दिखता है हमें उस पर रिस्पॉन्ड करना है, एक तो ये बात है। दूसरा एक बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का कि प्राइसेस रिजिड होते हैं, तो प्राइस एक बार ऊपर जाता है तो नीचे नहीं आता नॉर्मली। तो ये क्रूड ऑयल की बात नहीं कर रहा मैं, ये मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। जैसे जब कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के रेट्स बढ़ा देते हैं, लेकिन जब नीचे आते हैं तो वो नॉर्मली नीचे नहीं आता। तो सस्टेन्ड पीरियड जब आता है कमोडिटी प्राइसेस एलिवेटेड रहने का, तो उसका जो उसके कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ता है वो बहुत आसानी से नीचे नहीं जाता। तो ये रिकॉग्निशन बहुत होनी जरूरी है। इतना ज्यादा एनालिसिस करना, कितना फॉरेक्स रिजर्व है, कितना 2 महीने 3 महीने, हमें कुछ नहीं पता। हमें ये पता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बहुत आए हैं, उसके कारण हम देख रहे हैं। अगर आप पिछले महीने के 2 व्हीलर सेल्स देखिए, 25% डाउन इंडस्ट्री है पूरी। 25% कोई छोटा नंबर नहीं है। वो किस लिए है? क्योंकि प्राइस हाइक इतना हुआ है और फ्यूल प्राइसेस इतने चढ़े हुए हैं कि उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर सेंटिमेंट पे हो रहा है। और अभी आप देखिए पाम ऑयल प्राइसेस ऑल टाइम हाई, सारे मेटल प्राइसेस ऑल टाइम हाई, उसका व्हीट कॉर्न ग्लोबली ऑल टाइम हाई पे है, तो उसका असर दूध के रेट, ब्रेड के रेट बढ़ने शुरू हुए, ये कॉमन मैन को इफेक्ट करता है। और ये प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं वापस नीचे नहीं आते। ब्रेड का प्राइस आपने कभी नीचे आते हुए देखा है? नहीं आता। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक बार इन्फ्लेशन की रिकग्निशन हो जाएगी, फिर इंटरेस्ट रेट जब थोड़े बढ़ेंगे उसके कारण अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल होते हैं, तो फिर हम थोड़े जो हमें चौकन्ना रहना है उसके हम ठीक है, हम कह सकते हैं कि ठीक है सेंट्रल बैंक सब थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, तो अब सिनारियो अच्छा हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगले कुछ टाइम तक इतना बिनाइन व्यू लेना कि वर्स्ट बिल्ट इन हुआ है, ऐसा ठीक नहीं रहेगा। तो क्लियरली यहाँ पर कच्चे तेल की चाल पर विस्तार से हम फोकस कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स आपका ऑब्जर्वेशन संदीप जी, जिस तरह से आपने बताया FMCG स्पेस जहाँ पर प्राइसेस हैं कि लगातार ऑफ कोर्स जैसे जैसे इनकम भी बढ़ती हुई दिखती है, और चाहे इन्फ्लेशन बढ़े या कुछ भी हो, FMCG के प्राइसेस जो हैं वो तो एक लेवल तक बढ़ते ही जाते दिखते हैं।